हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। तो आज मैं आई हूँ कॉटन यूनिवर्सिटी में, आप सभी को मैं दिखाऊंगी आज का ब्लॉग। यूजुअली जैसा बाकी मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाती हूँ ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आज मैं बनाऊंगी कॉटन कॉलेज का पूरा कैंपस टूर, ठीक है। जितना तक हो सकेगा मैं दिखाऊंगी आप सभी को। आई होप आप सभी को पसंद आएगा, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे पढ़ने का एक ड्रीम रखते हो, बहुत इच्छा है आप लोगों का भी पढ़ने का। तो चलिए आज आप लोगों का सपनों का कॉलेज में दिखाती हूँ। तो कॉटन यूनिवर्सिटी में आज मैं जा रही हूँ, तो मेरा स्टॉपेज आ चुका है काछरी। कॉटन यूनिवर्सिटी जाने के टाइम मुझे ये नेहरू पार्क का जो नया रेनोवेशन किया है बहुत ही सुंदर लगा, बाहर से भी और अंदर तो और ज़्यादा सुंदर है। फूल पेड़ पौधों से सजा हुआ ये सड़क आप लोगों को कॉटन यूनिवर्सिटी तक लेकर जाएगा। और हम लोग अभी कॉटन कॉलेज में पहुंच चुके हैं, तो आप लोगों को एमसीबी बिल्डिंग के अंदर ले चलती हूँ। ये यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन दिया गया है यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर, पीजी एंट्रेंस का रिज़ल्ट, एडमिशन, सीयूईटी का एडमिशन, सारा कुछ देख सकते हो। ये है असामीज डिपार्टमेंट कॉटन यूनिवर्सिटी का, राइट हैंड साइड में आप लोगों को दिखेगा पॉल साइंस डिपार्टमेंट, और इसके बगल में हम लोगों का क्लास भी है। अंधेरा है। तो हेलो एवरीवन, ये हमारा क्लास था जब हम लोग पढ़ते थे एचएस में, तो हम इस रूम में भी हम लोगों को क्लास दिया जाता था। तो हम लोग इंग्लिश का क्लास, एजुकेशन का क्लास यहाँ पे करते थे, ठीक है। तो अभी हम लोग बाकी का क्लास भी दिखाएंगे। तो बहुत बुरा लग रहा है, बुक्स का ये हालत है। अभी हम लोग इस तरफ जाएंगे, ये सारे क्लासेस में हम लोग, ये सारे रूम में हम लोग का क्लासेस होता था। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी क्लास किया है हम लोगों ने बहुत सारा। एचएस का क्लास ज़्यादातर यहाँ पे देते हैं, और ऊपर में भी आप लोग देख सकते हो इतना सुंदर कैंपस है यहाँ पे, ये सारे डिपार्टमेंट्स। तो अभी हम लोग एमसीबी बिल्डिंग से निकल के, ये है बीकेवी बानीकंतो भवन, देख सकते हो ऊपर। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, यूनियन हॉल है ये, यहाँ पे यूनियन लोग बैठता था। तो केबीआर हॉल में आने के लिए यहाँ पे तीन चार रास्ता है, देखो लाइब्रेरी से जा सकते हैं, बीकेवी हॉल से, एमसीबी बिल्डिंग से, और फ्रंट से भी आप लोग आ सकते हो जहाँ से गेट है, ठीक है। तो अभी हम लोग एमसीबी बिल्डिंग था ना, एमसीबी बिल्डिंग से हम लोग बीकेवी भवन का उधर ऊपर नहीं गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और इतना कैंपस टूर करने का टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि देखो बहुत ही वास्ट एरिया है कॉटन का। और हम लोगों ने क्या किया, बीकेवी भवन में क्या किया, ग्राउंड फ्लोर में कौन सा डिपार्टमेंट है, जैसे कि इंग्लिश डिपार्टमेंट और बाकी जो डिपार्टमेंट है सारा कुछ दिखा देंगे, मैंने उसका क्लिप ले लिया है अलग से। और अभी हम लोग लाइब्रेरी को दिखाते हैं, लाइब्रेरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है इस जगह का, बहुत ही सुंदर एरिया है, सबसे बड़ा लाइब्रेरी है यहाँ पर। ये है कॉटन यूनिवर्सिटी का हमारा लाइब्रेरी, तो हम लोग ऐसे तो ज़्यादातर नहीं आते हैं। और देखो कि हाँ, मिल गए हम लोग को चार दोस्त, हम लोग का साथी बैठा हुआ है बेचारा। और कॉटन का एरिया इसलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ग्रीनरी है। और ये है लाइब्रेरी, आप लोग देख सकते हो, सूर्य कुमार भुइया लाइब्रेरी। लाइब्रेरी पानी आता है लेकिन रवि नहीं है ना, क्यों अभी नहीं है। तो अभी लाइब्रेरी से होकर हम लोग इस तरफ जाएंगे, तो इस तरफ गर्ल्स कॉमन रूम है हम लोग का, मतलब लाइब्रेरी का। आप लोग अगर लेफ्ट साइड में जाओगे तो आप लोगों का क्या होता है, गर्ल्स कॉमन रूम है, और कैंटीन वगैरह थे जब हम लोग पढ़ते थे। अरे कुछ ठीक ही तो है, क्या ही गलत कर। यहाँ पे क्या क्या डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गर्ल्स कॉमन रूम और कैंटीन आपको ग्राउंड फ्लोर में मिलेगा। আজি বহুত দিনৰ মূৰত মেমক লগ পালোঁ, ইয়াতে মেমে আমাৰ গাৰ্লছ কমন ৰুমৰ ৱাৰ্ডেন হয়, চাই মানে গোটেইখিনি কি বুলি কয় এইটো ৱাৰ্ডেন নে কি বুলি কয়, মানে আপুনি অথৰিটি হয় চাই। তো মেমক লগ পালোঁ, মেমৰ অলপ হ'লেও মোক যে চিনি পাইছে সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে মোৰ। তাকেইটো, আজি বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাই খুবেই ভাল লাগিছে গৈ, সেইটোৱে। থেংক ইউ মেম। All I want, all I want.
कॉफ़ी हाउस मतलब कॉटन कॉलेज का ये कॉफ़ी हाउस है, आप सभी को पता होगा। तो चलिए सुरेखा हमारा कैमरा गर्ल दिखा दो। तो बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है मुझे घूम घूम के। देखो कॉटन का सिर्फ और सिर्फ मैंने डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन कॉफ़ी हाउस, फिर एमसीए बिल्डिंग, बीकेवी बिल्डिंग, फिर कॉटन का कैंटीन और गर्ल्स कॉमन रूम, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, वो सारा कुछ दिखाया। और इतना कुछ दिखाते दिखाते मुझे इतना भूख लग गया कि मैं अभी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की तरफ नहीं जा पा रही हूँ। तो एक बार दिखा देती हूँ बाहर से, अंदर नहीं जाऊँगी, ठीक है। 2000 years later. क्या करते हैं अभी, यहाँ पे पानी निकलते हैं, जाओ मुंह धो सकती हो। यस, लिपस्टिक लगा हुआ है ना हाथ में, नहीं मिलेगा लेकिन दूर आई फ्रेंड के साथ, जब किसी के साथ। बस एक बार सोनापुर गई थी लेकिन वो बर्थडे के बर्थडे में बहुत पानी का निकल हो गया। वाह, वाइड एंगल में मस्त आते रहे, कैमरा अलग ही आ रहा है, लाइक बड़ा कैमरा का सीन। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो अभी थोड़ा कुछ खाने जाऊंगी मैं, बहुत ज़्यादा जूम हो रहा है ना, बाल भी ख़राब हो गया। अभी खाने जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कौन से स्टॉल से क्या खाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टॉल है कॉटन के बाहर। मैंने बहुत देखा भी था, फास्ट फूड का बहुत दुकान है, स्ट्रीट फूड्स वगैरह, तो दिखाते हैं चलिए। अच्छी दीदी इतना फोटो क्लिक नहीं करती हाँ? कॉटन का बाहर पहले तो खाना का सामान बहुत अच्छा मिलता था, पर अभी जो मैंने मोमो ऑर्डर किया, मोमो नहीं था पर वेज फ्राइड राइस जो दिया, वो ऐसा कच्चा कच्चा ही फ्राई कर दिया, ऐसा लगा बहुत ख़राब था, फेंकना पड़ गया। पर अभी मैं कॉटन से बाहर निकल के जा रही हूँ क्योंकि हम लोग का सारा काम हो चुका है, कैंपस टूर भी दिखा देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ क्योंकि अभी मुझे घर जाना है, घर नहीं जाना है, अभी मुझे एक नया वीडियो के लिए शूट करना है, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन बनाना है। आज हमारा कॉटन का कैंपस टूर कैसा लगा वीडियो, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।